हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो में। तो आज हम बात करते हैं कि जैसे कि सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है और मोबाइल सारे सब लोगों के पास ऑलमोस्ट स्मार्टफोन है, ठीक है। तो अगर स्मार्टफोन है तो कंपलसरी कि आपके पास एक ईमेल आईडी होगी। अगर आप इंटरनेट यूजर हैं तो आपके पास फेसबुक जरूर होगा, इंस्टाग्राम होगा, ट्विटर होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई वो जरूर होंगी आपके बारे में, आपके साथ, ठीक है। तो आज इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड हम बात करेंगे, जो लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे कि ये लॉगिन साइन इन में अंतर क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली क्या होता है, कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो आप लॉगिन के लिए मांगती हैं, ठीक। कुछ साइट्स होती हैं जो साइन इन के साइन इन करने के बाद ही आप एंटर कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो आपको बिना लॉगिन किए आप कुछ भी डेटा यूज कर सकते हो और आप बाहर निकल सकते हो, ठीक है। लेकिन उस केस में क्या है कि जो लॉगिन की बात करते हैं, मैं पहले लॉगिन वाले वेबसाइट की बात करता हूँ। लॉगिन में क्या होता है दोस्तों, लॉगिन का मैं उदाहरण के साथ समझाऊंगा क्या है, आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा क्या है। लॉगिन वाली वेबसाइट की मैं बात करूं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, फेसबुक में अब आपने कभी भी अगर आपने किया होता लॉगिन का ऑप्शन, जब भी लॉगिन का ऑप्शन आता है तो समझ जाइए कि अब ये हमारा कुछ न कुछ एक्टिविटी ये लॉग मेंटेन करेगा, ठीक है। ये लॉग क्या होते हैं उसको मैं अलग बताऊंगा, इसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लॉगिन, जैसे आपने लॉगिन किया फेसबुक में, आपने कोई फोटो को शेयर किया, ठीक है, उस पेज लाइक किया या आपने कमेंट किया, ठीक, और कितनी देर आप सोशल मीडिया पे रहे, उस फेसबुक को कितनी देर ओपन रखे, तो एक प्रकार की आपकी पूरी एक्टिविटी का एक लॉग बन गया, ठीक है। ये एक्टिविटी पूरी लॉग मेंटेन कर दिया, तो फेसबुक को ये पता है कि ये बंदा आया, इस पे कितनी देर इसने रहा, रुका और किस पेज पे गया और किस किस को लाइक किया, किस किस को कमेंट किया, किस किस को शेयर किया, तो एक लॉग मेंटेन हो गया। तो ये वेबसाइट जो भी, तो फेसबुक हुआ, अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, कार्ट की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि आपने कोई भी प्रोडक्ट देखा, उसको काफी देर आपने देखा, उसकी डिटेल पढ़ी कैसा है प्रोडक्ट क्या है, उसके बाद आपने उसको नहीं लिया, ठीक है, उसको नहीं लिया, तो वो आपने उसको लॉग आउट करके आप बाहर निकल गए। फिर जब नेक्स्ट डे कभी आपने लॉग इन किया तो पहले आपको दिखाएगा, ये एक्टिविटी उसको पता होती है ना, वो आपका लॉग मेंटेन कर रखा होगा उसने, तभी तो उसको पता है, उस कुकीज के थ्रू आपका लॉग मेंटेन है, तो वो आपको पता है कि हाँ आपको बार बार वो दिखाएगा, ठीक है, जब तक आप उसको परचेज नहीं करोगे या काफी पुराना हो जाता है, लेकिन फिर भी वो दिखाता है, उसका काम ही यही कि बिजनेस में फंसाओ किसी ना किसी तरीके से। तो ये हो गया आपका लॉगिन का। अब हम बात करते हैं साइन इन वाले ऑप्शन की, ठीक है। साइन इन में क्या होता है, साइन इन में जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम जीमेल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो कभी भी आपने जीमेल में लॉगिन नहीं देखा होगा, जीमेल में हरदम साइन इन लिख के आता, जब भी आपकी जीमेल आईडी लॉगिन करते साइन इन करते तो साइन इन नहीं है, साइन इन आएगा। तो कभी भी अगर कोई बोले मेरा जीमेल लॉगिन कर दो तो लॉगिन नहीं, उसको बोलिए करेक्ट नहीं भाई, ये जीमेल साइन इन होता है, ठीक है। तो साइन इन में क्या होता है, मैं बात करता हूँ, तो साइन इन में बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपने किसी को मेल भेजा, ठीक है, तो उसमें आपने मेल तो भेजा किसी को, बट आपने कितनी देर मेल भेजा, कितनी देर आपने उस मेल को पढ़ा, ये कहीं लॉग मेंटेन नहीं होता, ठीक है, कभी भी आप देख लीजिए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है साइन इन और लॉग इन, ठीक है दोस्तों। तो ये कंफ्यूजन मुझे दूर करना बहुत जरूरी था, ठीक है, कि लोग बोलते हैं लॉग इन और साइन इन में बहुत, कुछ लोग मानते हैं कि सेम है, बट सेम नहीं है मेरे दोस्तों, ये सेम नहीं, ये बिल्कुल अलग है दोनों का। जिसमें सिंपल से आप फंडा सिंपल से समझिए, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा याद करने का तरीका क्या है, बिल्कुल, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे आप, कभी भी नहीं भूलोगे कि लॉगिन और साइन इन में अंतर क्या होता है, ठीक है। ये तो बता दिया ना कि लॉगिन क्या होता है, साइन इन क्या होता है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करिएगा, देखिए जिस वेबसाइट पे लॉग मेंटेन हो रहे हैं, सिंपल सी बात है, वो लॉगिन के लिए लॉगिन मांगेगा, करेक्ट। उसमें एग्जांपल मैंने बता दिया, फेसबुक, ट्विटर और सोशल शॉपिंग साइट्स जो भी है, ठीक है। और जो लॉग मेंटेन नहीं होता है वो आपकी साइन इन के नाम से होती है, ठीक है। बहुत सारी साइट्स हैं जो लॉगिन मांगती हैं, बहुत सारी साइट जो साइन इन मांगती हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये साइन इन और लॉगिन में डिफरेंस क्या है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, ठीक है, ताकि कोई दूसरा भी ये जान सके कि यहाँ साइन इन और लॉगिन में क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा पसंद आए तो उसको
बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो हम लाते रहते हैं टेक्निकल से रिलेटेड या जानकारी से रिलेटेड, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई ऐसी जानकारी के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।